everyone, welcome back to another video. आपका अच्छी वीडियो में स्वागत है. और आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं वो है जे मम्मी दी का ट्रेलर. वैसे तो काफी दिनों से आया हुआ है और अनफॉर्चुनेटली जो हमारी लास्ट वीडियो थी वो वर्ल्ड वाइड ब्लॉक हो गई. और इसके अलावा मैं ये बोला, हालांकि वो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो थी, हमें बहुत मजा आया था बनाने में और हम लोगों ने काफी इंजॉय भी किया था. और जिन जिन हमारे सब्सक्राइबर्स ने देखा उनको तो काफी अच्छा लगा था. फिर बहुत सारे लोगों को नहीं वो मिली, नजर नहीं आई क्योंकि वो ब्लॉक हो चुकी थी. और एक और चीज मैं कहना चाहूंगी कि YouTube के व्यूज में एरर आया हुआ है, तो काइंडली मैं बोलूंगी कि अगर आप वीडियोस हमारी देख रहे हैं तो उसको जरूर शेयर करें, क्योंकि ये काफी टाइम से, मतलब दिसंबर, ऑलमोस्ट पूरा दिसंबर ऐसा है कि प्रॉब्लम ये चल रही है. बिल्कुल. एनीवे, अभी बढ़ते हैं आज की मूवी के ट्रेलर की तरफ से, तरफ बढ़ते हैं. और इस मूवी को डायरेक्ट किया है नवजोत गुलाटी ने, और जो कि प्रोड्यूस किया गया है भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, लव रंजन और अंकुर. हाँ. और अगर हम स्टारकास्ट की बात करें तो स्टारकास्ट में है सनी सिंह, सोनाली सेगल, सुप्रिया पाठक, पूनम ढिल्लों और शिवानी सैनी और शरद सक्सेना. तो चलिए देखते हैं पहले मूवी का ट्रेलर एंड देन वी विल डिस्कस कि हम लोगों को मूवी का ट्रेलर कैसा लगा. लेट्स स्टार्ट विद द ट्रेलर. लेकिन उससे पहले इस चैनल का, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक जो है आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को. उसके अलावा आपको हमारे दूसरे चैनल का लिंक, हमारे इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें. तो लेट्स स्टार्ट विद द ट्रेलर. कहते हैं भगवान का साक्षात रूप होती है माँ. जो काम भगवान भी नहीं कर सकते वो माँ करती है. लेकिन जब एक माँ दूसरी माँ से टकराती है तो माँ की, तूने मेरे वाले डिजाइन को कॉपी क्यों किया है? मैंने नहीं कॉपी किया, तूने कॉपी किया है. मैंने तो डिजाइनर मनीष मल्होत्रा से बनवाया है, करोल बाग वाला. अगर बात करें मूवी की, तो मूवी जो है हमारे जो सोसाइटी है उसकी बिल्कुल सही अक्कासी करता है, इनकी बिल्कुल सही बताता है उसके बारे में. क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि पेरेंट्स के आपसी क्लैशेज होते हैं और उसकी वजह से बेचारे बच्चे जो होते हैं ना वो रगड़े जाते हैं. सीरियसली ऐसा होता है. बेसिकली इट्स रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म, काफी ज्यादा एंटरटेन करने वाली है. और मुझे बड़ा अच्छा लगा जिस तरीके से एक माँ को उन्होंने गब्बर बनाया हुआ और एक माँ को उन्होंने
मुगैम्बो मुगैम्बो खुश हुआ हाँ, लेकिन ये कि अच्छा ये लगा कि किस तरीके से उन्होंने जो मतलब बहुत ही ह्यूमरस वे में एक जो मेन प्रॉब्लम है उसको कोट कर दिया है कि जैसे मौजम ने बोला कि वाकई में ये चीजें होती हैं कि पेरेंट्स की आप मतलब आपस के क्लैशेस होती हैं या कुछ उनको कोई भी उनकी रीजन होती है पसंद ना करने की, और अगर बच्चों की पसंद होती है तो उसमें थोड़ी सी अपनी टांग जरूर अड़ाते हैं बाय द एंड ऑफ द डे। अगर अगर देखें अगर ना अड़ाएं तो टांग तो उन्हें एशियन पेरेंट्स को उनके है ना नहीं अब काफी टाइम चेंज हो गया मौजम, अब ये कि अब पेरेंट्स काफी अंडरस्टैंडिंग हो गए हैं बट स्टिल फिर भी हम लोगों को ऐसी स्टोरीज देखने को मिलती हैं। वैसे अगर मैं इस ट्रेलर की बात करूँ तो इस ट्रेलर में मुझे सनी सिंह और सोनाली सैगल जो हैं उनसे ज्यादा मुझे स्ट्रॉन्ग रोल्स जो हैं ना वो मुझे माओ का लगा क्योंकि वो दोनों तो लीड रोल में तो वैसे वही है लेकिन अगर इनडायरेक्ट देखा जाए तो लीड रोल में हमें माए आ रही है। मेरा तो वैसे ख्याल है कि लीड रोल और जो स्टोरी है ना वो माओ के अराउंड है, मतलब जितना पावरफुल उन दोनों को एक नाम गब्बर का और मुगैम्बो को दिया, मतलब अगर आप ये देखो गब्बर और मुगैम्बो ये मतलब पास में एक बहुत पावरफुल करेक्टर रहे हैं और हम लोग भी इवन कि हम लोग मूवीज देख चुके हैं और हम लोग भी ये बात मुगैम्बो खुश हुआ और गब्बर कितने आदमी थे। और अगर उसके बाद बात करें सुप्रिया की तो जो सुप्रिया जो है वो बहुत अच्छी एक्टर हैं, बहुत अरसे तक मैं जो है इन्हें हंसिका के नाम से जानता रहा था क्योंकि हम साथ में इनके प्रफुल थे, ये दोनों कैरेक्टर ऐसे थे जो इन दोनों नाम से मशहूर हो चुके थे प्रफुल और हंसिका के नाम से, तो बहुत देर तक हमने जो है अच्छा, इन्हें देखा है एक, हम लोग बड़े शौक से हमारी पूरी फैमिली वाला ड्रामा देखा करती थी और मतलब एक जो इनका बहुत वो स्टेप होता था जो बात समझ में आता थी तो क्या किया करते थे याद है अगर सोनू की टीटू की वेडिंग की बात करूँ तो उसमें थोड़े वो हेल्दी हाँ हेल्दी थे, इसमें मुझे लग रहा है काफी स्लिम है। लास्ट मूवी भी जो उनकी आई थी जिसमें वो यू नो सर के बालों वाली प्रॉब्लम बाला नहीं उजड़ा चमन, उसमें भी काफी ज्यादा वो पतले लग रहे थे, इसमें भी काफी अच्छे लग रहे हैं। और हाँ जो मूवी में एक सॉन्ग है वो मेरा फेवरेट सॉन्ग है, मेरी मम्मी नु पसंद नहीं तू तेरा काला मुंह गोरा मुंह तेरा गोरा मुंह सॉरी। मतलब ये क्योंकि शादियों पर तो बहुत ज्यादा ये सॉन्ग लगते ही है। और एक और चीज ये कि मेरी जो सबसे सबसे छोटी नीस तो नहीं है, मेरी नीस है, जब भी ये गाना लगता है उसको इतना पसंद है एंड शी इज जस्ट 2 years old, मतलब जनवरी में वो 2 साल की हो जाएगी, और जब भी ये सॉन्ग लगता है टीवी पर एंड शी स्टार्ट्स लाइक और काफी इंजॉय करती है म्यूजिक को, और जाहिर सी बात है बड़ों को भी पसंद है तो फिर उनको भी पसंद एग्जैक्टली। ओवरऑल बहुत मजा आया देखने का, और इसके अलावा हम थैंक यू बोलना चाहेंगे हमारे सारे सब्सक्राइबर्स का, हमारे सब फ्रेंड्स का जो हमें सपोर्ट करते हैं, न्यूज व्यूज एंड अपडेट्स की फैमिली का जो कि हम लोगों के दूसरे चैनल को भी सपोर्ट करते हैं और हमें अप्रिशिएट करते हैं हमारी मिस्टेक्स होने के बावजूद, हम इतने ज्यादा प्रोफेशनल नहीं है उसके बावजूद होने के बावजूद हम लोगों को काफी बकअप करते हैं कि जस्ट कीप गोइंग ऑन। और सबसे अच्छी बात हमारी मिस्टेक्स जो है वो हमें बताते हैं कि आप यहाँ पे करेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे करेक्ट कर सकते हैं, ईमेल में बताते हैं, और ईमेल में बहुत सारी ईमेल्स ऐसी भी हैं, मैं नेक्स्ट टाइम नाम लूंगा मैं भूल गया, हमने ईमेल्स पढ़ी भी थी तो हमें बहुत ज्यादा हाँ कुछ मुझे बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। प्रोनाउंस गलत कर रही हूँ, इनका ईमेल लिखने का स्टाइल बहुत अच्छा मुझे लगा कि ये एक एक पॉइंट को कितने अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करते हैं और बहुत पॉजिटिव वे में करते हैं। और नो डाउट क्रिटिसाइज करना चाहिए, और लेकिन ये कि सबसे अच्छी ये चीज लगती है कि गलतियों के साथ साथ आप हमें बकअप भी कर रहे होते हैं। एनीवे ओवरऑल बहुत मजा आया एंड आई होप कि आप हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे और हमें सजेस्ट करते रहेंगे हमारी वीडियोस कि हम किन पर रिएक्ट करें। और इसी के साथ हमें इजाजत, लेकिन जाने से पहले मैं बताना चाहूंगी कि मौसम को वाकई में पता नहीं कैसी ठंड लग रही है कि यहाँ पर कुछ पहना नहीं हो और सर मैं बाहर गया था तो मेरे सर में जो है वो हवा लग गई तो सर दर्द शुरू हो गई, तो मैंने कहा चलो इससे पहले ज्यादा हो तो मैं
पहन लूं और मेरी भी तबीयत इतनी खराब थी लेकिन फिर भी ये कि अभी नहीं लग रही होगी क्योंकि मेकअप करके थोड़ा यू नो लिपस्टिक वगैरह लगा लो ना तो तबीयत खराब नहीं लगती बट एनीवे ये कि अगर हम वीडियोस ना बनाए ना तो हम लोग बहुत ज्यादा ऐसे लो मैं तो बहुत मेरी एनर्जी बहुत लो हो जाती है तो हाँ तो इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि मैं वीडियोस बनाऊं चाहे तबीयत ठीक हो या ना हो तो आई होप कि आप लोग ने एंजॉय किया एक्चुअली जब हम वीडियो नहीं ना बनाते तो अंदर से बेचैनी वैसे पिछले दो दिन हमारे स्किप हो गए क्या नाम लेते हैं एक दिन स्किप हुआ और एक जो है वर्ड वर्ड ब्लॉक हो गया तो उसकी वजह से हम ज्यादा ही डल हो गए तो आज जो है हम वैसे फिर छुट्टी करने वाले थे लेकिन फिर हम निकल करते हैं क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरी एनर्जी और ज्यादा हो जाएगी और मैं छुट्टियों के बाद काम दोबारा से स्टार्ट करना बहुत मुश्किल होता है तो आई थिंक अब हम लोग लेते हैं हमारी टॉपिक से हटकर बात होगी क्योंकि दो दिन का था ना गुबार तो वो भी निकाला था।